जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव। और यहाँ देखिए काम शुरू हो चुका है, बालू के साथ सीमेंट को मिलाया जा रहा है और इधर रॉड में काटने के लिए तैयार हो चुके हैं, रॉड काट भी रहा है इधर। तो बात यह है कि हम लोग का जो परमानेंट राजमिस्त्री है बाबन बावरी, वो बाथरूम का काम करेंगे आज, क्योंकि आप लोगों को दिखाए हैं कि हम लोग का बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ है और नीचे फ्लोर टाइल्स नहीं लगाए हैं। नीचे फ्लोर सीमेंट देकर घोला लगाकर कलरफुल डिजाइन किया गया है। तो एक बाथरूम कंप्लीट हो चुका है और एक बाथरूम आज कंप्लीट होगा, इसीलिए आज इतना सारा बालू में एक बोरा सीमेंट पूरा डाला जा रहा है, क्योंकि ढलाई होगा। और किस तरह से बाथरूम का लुक लग रहा है टाइल्स के साथ सीमेंट का डिजाइन किया हुआ, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज एक कंप्लीट हो चुका है कल, और आज एक कंप्लीट होने दीजिए, लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे बाथरूम का डिजाइन किस तरह से लग रहा है। तभी जा रहे हैं हम लोग का जो नियरेस्ट मोड़ है, हम लोग घर से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। आप लोगों को दिखाए हैं लास्ट वीडियो में कि वहाँ पर लगभग सभी सामान मिल जाता है। तो उस दिन जहाँ से हम सीमेंट और सफ़ेद चूना लाल रंग लाए थे, वहाँ फिर जा रहे हैं सीमेंट और लाल और सफ़ेद चूना लाने, क्योंकि जो 2 बोरा सीमेंट लाए थे वो 2 बोरा ख़त्म हो चुका है, आज ही ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए मैं साइकिल का हालत पूरा सीमेंट में भरा हुआ है। सीमेंट आज ले आते हैं, उसके बाद साइकिल को धो देना पड़ेगा, पूरा कचरा हो चुका है साइकिल। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नियरेस्ट मोड़, वहाँ पर जाकर सीमेंट और कलर लेके आते हैं, फिर क्या क्या करते हैं घर में ये आप लोगों को फुल डिटेल्स दिखाएंगे। हम लोग मोड़ जा रहे थे, यहाँ पर मेरे भिक्का बाबा अभी पूजा में लगे हुए हैं शिव मंदिर में, बजरंगबली मंदिर में। आज मंगलवार, इसीलिए हर मंगलवार को मेरा भिक्का बाबा शिव मंदिर और बजरंगबली मंदिर में पूजा करते हैं। और अभी क्या क्या कर रहे हैं देखते रहिए वीडियो में। माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरे डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। उस दिन जो हम ऐसे सीमेंट और वाइट सीमेंट और रंग लाल वाला घर ले गए थे, वहीं पर फिर से आ गए हैं और यहाँ से वाइट सीमेंट और लाल रंग ले चुके हैं थैला में। और किसी का सीमेंट ले लेते हैं, लाल रंग वाइट सीमेंट और ऐसे से सीमेंट लेके अपना घर पहुँचने ही वाले हैं, गांव घुस चुके हैं। और क्या क्या कर रहे हैं इस वीडियो में दिखाते रहे। ऐसे सीमेंट और वाइट सीमेंट और रंग ले कर हम घर पहुँच चुके हैं और 2 हेल्पर लगा है, ये तो हम आप लोग दिखाएं। एक हेल्पर कंटिन्यू राजमिस्त्री के साथ लगा हुआ है, वो तो कहीं और जा नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ लगना ही पड़ेगा राजमिस्त्री के साथ। और एक जो हेल्पर है वो रॉड तो काट ही रहा था, अभी किधर गया देख रहे हैं, थोड़ा सा रॉड काटा है उधर, काट के रखा है। और कुछ उसके साथ काम है, मतलब ये देखिए यहाँ पर मिट्टी जमा हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ भी था छोटा सा आम पेड़, काटना पड़ा क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट पिच बनाया है तो काटना ही पड़ा, कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर जो मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी को उधर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है कुआं के उस तरफ, उसको हम और एक जो लेबर है मतलब हेल्पर है, दोनों मिलकर ये मिट्टी को उधर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। इकट्ठा किया हुआ सारा मिट्टी को ले जाके कुआं के उस पर डाल रहे हैं, क्योंकि कुआं के उस पर एक गड्ढा है, गड्ढा को भर रहे हैं। गड्ढा भरने के बाद और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ का जितना मिट्टी था कोड़ का के जो इकट्ठा किया हुआ था शॉर्ट पिच बनाने के बाद,
वो मिट्टी कोड़ कर मतलब इससे ले जाकर वहाँ पर गड्ढा में रख दिए और अब नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं। फिर क्या करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ हम वीडियो में दिखाएंगे। पहले नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद वहाँ का मिट्टी उठाकर वहाँ गड्ढा था वहाँ पर भर दिए। फिर नहा धो के फ्रेश होकर लंच करने के बाद जो मेरा डेली रूटीन है उसको किए, आधा रूटीन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देखिए हेल्पर, मिस्त्री का हेल्पर है, वो अभी भी रॉड काट ही रहा है, सुबह से काट ही रहा है, मतलब काट रहा था सुबह से, लेकिन इनको ले चले गए थे हम वहाँ पर मिट्टी को भरने के लिए, तो दोनों मिलकर हम लोग मिट्टी भरे, इसीलिए रॉड को थोड़ा सा काट के छोड़ दिया था और अभी काट रहा है रॉड। और अभी बज रहा है शाम का 5। और इधर देखिए हम लोग जो परमानेंट मिस्त्री है राज मिस्त्री, वो किस तरह का काम कर रहा है देखिए आप लोग दिखाते हैं। देखिए इधर अभी काम चल ही रहा है इन लोग का, मतलब किस तरह से डिजाइन बनाएगा ये घर रूम में बाथरूम में वो देख रहा है। इधर का डिजाइन कुछ इस तरह का है, आपको क्लोज से भी हम आप लोग को दिखाते हैं कि बाथरूम का डिजाइन किस तरह से हुआ है। और ये वाला तो अभी रनिंग में है डिजाइन, किस तरह से डिजाइन कर रहा है ये हम आप लोग को बाद में दिखाएंगे। तो अभी जो डिजाइन हुआ है बाथरूम का फ्लोर वो आप लोग को दिखाते हैं। टाइल्स तो दिखा दिए हैं दोनों रूम का, दोनों बाथरूम का, तब हम फ्लोर दिखा रहे हैं एक बाथरूम का और एक बाथरूम का तो बाद में हम दिखाएंगे क्योंकि अभी डिजाइन कर रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब हम लोग क्या, हम और मेरा दोस्त जो लव है अभिजीत आचार्य जी जो गांव का मेरा दोस्त है, दोनों मिलकर भी जाएंगे बलियापुर। और बलियापुर में वायरिंग का सामान लेंगे, इस घर में वायरिंग होगा तो कहाँ पर वायरिंग का सामान ले रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में डिटेल्स दिखाएंगे, तो कंटिन्यू रहिए। हम लोग घर का राजमिस्त्री कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया है बाथरूम का फ्लोर का, और इस बाथरूम में भी डिजाइन बनाना शुरू कर चुका है। बनने दीजिए, उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से डिजाइन बनाया गया है इस बाथरूम में। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। भैया की दुकान आ चुके हैं और यही भैया की दुकान से शिव मंदिर का वायरिंग का सभी सामान ले गए थे और यहीं पर आ गए हैं। हम अपना घर का भी सभी सामान वायरिंग का ले जाएंगे यहीं से। और आज मुहर्रम है इसलिए सभी यहां पर देख सकते हैं अपना लाठी खेल खेलने के लिए सभी जा रहे हैं। बात यह है कि यहां पर क्या क्या वायरिंग का सामान ले रहे हैं सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों को पहले भी बताए हैं, ये मेरे भैया है, सभी लोग गाँव में रहते हैं, मेरा बड़े पापा का लड़का है। चलिए क्या क्या ले रहे हैं वायरिंग का सामान सब कुछ आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। भैया दुकान से वायरिंग का सामान देना शुरू कर चुका है, और क्या क्या दे रहा है वायरिंग का सामान सब कुछ हम आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं।
भैया उधर लिस्ट देखने के बाद सभी वायरिंग का सामान को मिला मिला कर दे रहे हैं, और इधर हम दोनों दोस्त बैठकर गप्पे सप्पे मार रहे हैं क्योंकि, और इधर उधर बहुत ताक रहे हैं कि किधर क्या हो रहा है। रोड का साइड है, देखने में बहुत ही मज़ा लग रहा है। चलिए देखते हैं कितना देर में पूरे वायरिंग का सामान कंप्लीट होता है देना, उसके बाद क्या क्या हो रहा है सब कुछ हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। भैया वायरिंग का सामान एक एक करके लिस्ट देख कर दे ही रहे हैं आप लोगों, तो सारा वीडियो में दिखा ही रहे हैं कि क्या क्या दे रहे हैं भैया वायरिंग का सामान। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। वायरिंग का सभी सामान भैया दे चुके हैं, वहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, और यहाँ भैया बिल बना रहे हैं, कितना हो रहा देखते हैं और पैसा पेड करेंगे उसके बाद। पहले बिल बनाने के बाद कितना हो रहा देखें। और बात यह है कि भैया बोले कि जितना वायरिंग का सामान है सभी को एक कार्टन में डाल देंगे, उसके बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। কত 18,331 টোটাল অ্যামাউন্ট 12 মডুলার বক্স 2 বক্স 3 মডুলার 3 বক্স ব্ল্যাঙ্কার আর দেখ এগুলা ব্ল্যাঙ্কার এক একটার মধ্যে দুটো করে আছে ঠিক এগুলাকে ব্ল্যাঙ্কার বলে ঠিক 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 আছে এটা আছে দেখ 10 পিস ঠিক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ঠিক আছে 10 দুগুনে 20 পিস আছে ঠিক এগুলো কোথায় নেব এগুলা যেখানে তো সুইচ লাগবে না সেখানে আচ্ছা ব্ল্যাঙ্কার এ টু এ এমসিবি বক্স এ টু এ এমসিবি বক্স এখানে কমন বক্স তার মধ্যে দুটো ইন্ডিকেটর 2 পিস ইন্ডিকেটর 2 পিস ঠিক আছে ঠিক এগুলো আমি সবথেকে নিচে এইজন্য রাখছি কি এগুলো ছোট জিনিস ঠিক ঠিক হ্যাঁ ঠিক এজন্য তোকে দেখিয়ে রাখ ঠিক এমসিবি বক্সটা তো মাস্ট আছে না ডাবল ডোর এমসিবি বক্স तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा भैया 8 वे एमसीबी बॉक्स का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है दरकार ही नहीं खुला भी ना एर खुला भी शुरू ये देखिए लुकिंग लगे गाइस वायरिंग का सामान पैक भी हो चुका है, बिल भी दे चुके हैं, मतलब पैसा दे चुके हैं, और अब घर की ओर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं वायरिंग का सभी सामान लेकर, और सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किए आज ये हम आप लोगों को दिखाएं वीडियो में। और अभी रात का 8 बज रहा है, और बात यह कि मेरा जो डेली रूटीन है उसमें से आधा रूटीन करके गए थे, 75% रूटीन करके गए थे,
और 25% रूटिंग है अभी बचाया, तो अभी जो 25% रूटिंग है उसको अभी करेंगे, जो मेरा डांस है वो। और जो जो आप लोग में से मेरा रूटिंग नहीं देखे हैं कि सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किए करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं कि सुबह भोर 5 बजे 6 बजे से लेकर हम रात 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, सब कुछ आप लोग को फुल डिटेल्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।